Hello class, class 11th, the new topic that is going to start, conic section. ठीक है, देखिए conic section पहले आपको understand करना है कि conic section क्या होता है, what is conic section. ठीक है, फिर इसके बाद इसके अंदर कुछ terms हैं, उस terms को आपको study करना है and क्या इस topic के content है, उस content को देखना. ठीक है, तो पहले मैं आपको explain कर रहा हूँ what is conic section. देखिए conic section क्या होता है, conic section किस तरह से formed होता है. कॉनिक वर्ड आया है कौन से, सेक्शन एक आपका इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड कोन. ठीक है, देखिए आप फिगर को देखो, आप क्लास फिगर में ये होता है कि जैसे कि मैंने एक फिक्स लाइन लिया आपका, इट इज अ वन फिक्स लाइन, इट इज कॉल्ड फिक्स लाइन, बहुत ध्यान से देखिएगा. और एक और मैंने लाइन लिया, एक ऐसे मैंने लाइन लिया इसको इस तरह से, और इस लाइन को बोला मैंने जनरेटर. क्यों बोला जनरेटर, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इट्स कॉल्ड अ जनरेटर. देखिए क्लास इसमें बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, आपको एक क्लास कोन बनाना है. तो आप कोन कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये लाइन आपकी फिक्स है, ठीक, और आपने इस लाइन को रखा इस तरह से, इट इज अ जनरेटर. क्लास अगर आप इसको यहां से होल्ड करके, अगर आप इसको 360 डिग्री आप इसको रोटेट करते हैं इस तरह से, अगर आप इसको रोटेट करते हैं इस तरह से, तो क्या फॉर्म होगा, क्लास एक कोन फॉर्म होगा. ठीक है, देन यू विल गेट वन टू कोन, एक कोन आपको यहां पर मिलेगा और एक कोन आपको मिलेगा डाउनवर्ड. ठीक है, अगर क्लास इस तरह से आपको हम बनाए, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगर एक मैं किसी पर किसी मैं किसी भी मैं पेज पर क्लास मैं एक पेज ले लेता हूँ, इस पेज के हेल्प से मैं आपको बना रहा हूं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लास मैंने एक पेज लिया, इस पेज में अगर हम अपर डायरेक्शन में एक आपको क्लास यहां पे हम कोन ड्रॉ करते हैं, ये मैंने एक कोन ले लिया. ठीक है, तो देखिए एक ऊपर कोन बन रहा है और एक नीचे कोन बन रहा है. ठीक है, ये कोन बन रहा है, इस क्लास इस कोन को आप बोलते हैं नैपी, इट इज कॉल्ड. जो क्या मिलेगा, वी विल गेट हियर, हमको ये एक आपका फिक्स लाइन है और एक आपका फिक्स पॉइंट होगा, इट इज अ वन फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट को ओ बोला, ये क्लास आपका एक फिक्स पॉइंट है. अच्छा, तो नाउ वी गेटिंग हियर, एक कोन ऐसे फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, आप इसको ऊपर ये कोन फॉर्म हो गया, एक कोन यहां फॉर्म हो गया. ठीक है, तो ना इट इज कॉल्ड अपर नैपी, इसको वर्ड दिया जाता है अपर नैपी, और ये आपका हो गया लोअर नैपी. ठीक है, ये अपर ये लोअर नैपी, और इस लाइन को आप बोलेंगे फिक्स लाइन, इस लाइन को आप बोलेंगे जनरेटर. जनरेटर क्यों, क्योंकि आपने इस लाइन को होल्ड करके जब आप 360 जब आपने रोटेट करा तो इसने कोई चीज आपको रोटेट करी. ठीक है, तो उसको बोला सॉरी कुछ जनरेट किया, तो जनरेट किया तो उसको बोला जा रहा है जनरेटर, जनरेट करने वाला. अच्छा, अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ये हमको दो कोन्स मिले, एक ऊपर मिला एक नीचे मिला, इस कोन के अंदर, अच्छा यहां पर जो एंगल है ये अल्फा है, आप उधर ध्यान करना है, ये एंगल क्या है अल्फा, आप इधर लें इधर लें, यहां पर सब आपके जो एक पॉइंट पे क्लास मिल रहा है, ध्यान देना है आपको, पॉइंट आपने ओ ले लिया, इट इज एंगल अल्फा. आपने इस कोन के अंदर एक प्लेन इंटरसेक्ट कराया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक आपको क्लास आप ट्राई करिए, जैसे कि मैंने ये कोन फॉर्म किया, इस कोन के अंदर नेक्स्ट मैंने एक और डिफरेंट पेज लिया है, इस डिफरेंट पेज से मैंने अगर इसके अंदर आप इंटरसेक्शन करें, थोड़ा सा आपका ध्यान दीजिएगा इस फिगर पे हमारे, यहां जब आप इसको आप इंटरसेक्ट करेंगे तो ये कोन और ये प्लेन इस तरह से बीच में क्रैश करता हुआ से कट करेगा. ठीक है, तो फिगर में देखें, हम फिगर में सिंपली आप जैसे कि ये आप कोन है और एक मैंने प्लेन बनाया, वो प्लेन जैसे कि ये एक आपने प्लेन ड्रॉ कर लिया, मैं क्लास एक दूसरा फिगर बनाता हूं, ये क्लास आपका कोन हो गया, और कोन के बाद आपने
इसमें एक ट्रेल इंटरसेप्ट कराया यहां क्लास आपने एक प्लेन बना आपका, ठीक है, ये आपका प्लेन है। अच्छा, ये जो प्लेन है कौन को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो जब ये प्लेन कौन के अंदर इंटरसेप्ट करेगा तो आप देखेंगे अंदर जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है कौन का और प्लेन का, वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट फिगर फॉर्म होंगे। कब? जब आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से जब आप प्लेन को कोन के जब इंटरसेप्ट कराएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फिगर फॉर्म होंगे। जैसे कि अब उसके अलग अलग पर्टिकुलर्स हैं कि हमको यहां पर फोर इसमें जो कंटेंट है इसके अंदर फोर सेगमेंट आपको स्टडी करना है। एक आपका है सर्किल, एलिप, पैराबोला एंड हाइपरबोला। वो अलग अलग कैटेगरी पर डिसाइडेड है कि आप इस प्लेन को किस तरह से इसमें इंटरसेप्ट कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैंने इस तरह से प्लेन को कोन के अंदर इंटरसेक्ट करा, आप यहां पकड़े या आप यहां पकड़े, तो आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म मिल रही है कोनिक सेक्शन की, ठीक है। अगर आप इसको अलग अलग बनाते हैं, अगर आप इसको प्लेन आप इसको परपेंडिकुलर इस लाइन के, अगर आप इसको एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल जब आप प्लेन इंटरसेक्ट हो तो हमें क्या मिलेगा, देन वी विल गेट अ वन सर्किल। इस फॉर्म में मिलेगा हमको पैराबोला, फिर आपको मिलेगा इसमें मिलेगा आपको पैराबोला, फिर आपको मिलेगा सर्किल, देन फिर दूसरा क्या है, फिर आपको मिलेगा एलिप। एलिप कैसे मिलेगा, अगर इसमें आपको एलिप मिलेगा अगर वो यहां पकड़ करता है इस इतने पार्ट में तो आपको मिलेगा एलिप, ठीक है। तो ये आपका एलिप हो गया, ये पैराबोला हो गया। ये अभी मैं सब फिगर आपको ड्रॉ करूंगा वन बाय वन, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो बेसिक टर्म्स हैं कि कोनिक सेक्शन कैसे इवॉल्व हुआ, इसका इवोल्यूशन कैसा है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे कोनिक सेक्शन आप कैसे फॉर्म हो रहा है। तो एक एंगल यहां पर और है जो मुझे इंट्रोड्यूस करना है, क्लास प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये जो एंगल होता है, ये जो आपके प्लेन है, मतलब जो प्लेन इस लाइन पर जो एंगल फॉर्म कर रही है, इट इज एंगल बीटा। ये एंगल आपका बीटा है, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा, ये दो चीजें बार बार चेंज होंगी चारों ही सेगमेंट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट फिगर ड्रॉ करेंगे कि हमें क्या क्या मिलेगा, फिर हम उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर दिस देखिए क्लास, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड सर्किल। कैसे मिलेगा हमको सर्किल, इसमें हम क्या करेंगे, आप एक पहले एक्स बनाइए, ठीक है, इट इज जनरेटर और ये आपकी नैपिस फॉर्म हो गई। इस नैपिस के बाद ये आपको ओरिजिन ओ है, ये फिक्स लाइन। अब मैं एक प्लेन इसमें इंटरसेक्ट करा रहा हूं, तो अगर आपका प्लेन इसमें इंटरसेक्ट हो रहा है या एंगल अल्फा है, ठीक है, और या आपने एक प्लेन इसमें इंटरसेक्ट करा है, ठीक, तो यहां पर जो बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सर्किल के लिए क्या हो क्लास, अगर ये प्लेन हमारा कोन के अंदर हॉरिजॉन्टली इंटरसेक्ट करता है, हॉरिजॉन्टल, तब जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको मिलेगा एक सर्किल, अंदर एक गोल गोल सर्किल मिलेगा, ठीक है। तो वो आप यहां पर कंडीशन क्या है, यहां पर जो केस है, जो कंडीशन है वो ये है कि जो बीटा की वैल्यू होगी वो होगी 90 डिग्री। मैंने बीटा क्या था ये आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि बीटा इस फिक्स लाइन से जो एंगल बनाएगा, जो प्लेन फिक्स लाइन से जो एंगल बनाएगा उसको आप एंगल बीटा बोलेंगे, ठीक है। अल्फा ये होगा एंगल, जो ये जो आपकी जनरेटर फिक्स लाइन से जो एंगल बना रही है उसको आप बोलोगे अल्फा। ये चीज हो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड, अब आप सेकेंड पे आ जाओ, सेकेंड है आपका, दैट इज हम बात कर लेते हैं पैराबोला की। एक्चुअली आप एलिप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। एलिप, एलिप कैसे फॉर्म होगा, अब अगर ये प्लेन थोड़ा सा इंक्लाइंड होकर इंटरसेप्ट कर रहा है जो हमने पहले बनाया था, इनिशियली बनाया था, ठीक है, तो यहां पर आपने ये फिगर है,
नापीस, जनरेटर, और आपका जो प्लेन है वो इस तरह से इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां से भी कर सकता है क्लास। और ये फॉर एग्जांपल ये प्लेन आपके यहां से इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरह से, ये एंगल अल्फा और ये है एंगल बीटा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, अब इस बीटा की जो वैल्यू है ये 90 से कम होगी, अल्फा से ज्यादा होगी। तो यहां पर आप ये केस होगा बीटा इलिप के लिए, तो यहां आपको मिल गया इलिप, इस तरह से आपको मिलेगा इलिप। जब आप उसके अंदर थोड़ा सा इलिप्टिकल शेप मिलेगा क्लास, यहां पर क्या मिलेगा, यहां आपको मिलेगा सर्किल फिक्स पॉइंट के साथ, और यहां पर फॉर्म होगा आपका इलिप, इलेप्टिकल शेप मिलेगा आपको, ठीक। नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो हमको थर्ड पार्ट में हम आते हैं पैराबोला के पास। पैराबोला के केस में देखिए क्लास, ये आपका रैपिड फॉर्म हो गई। अब इसमें जो प्लेन डिसेंट कर रहा है वो इस तरह से कर रहा है, क्लास ये इस तरह से, ठीक है। ये आपकी लाइन जनरेटर है, ये एंगल बीटा फॉर्म कर रही है और ये एंगल आपका अल्फा है, ठीक है। तो अब इसमें क्लास क्या होगा, इसमें आपका यहां पर जो एंगल होगा, जो यहाँ पर बीटा का जो एंगल होगा, ये बीटा का एंगल जो है वो यहाँ पर 90 इक्वल है, यहाँ पर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड 90 के बीच में लाई कर रहा है। और एक्चुअली इसका एक आइडिया भी है मेरे पास कि अगर आप कभी भूल जाएं तो HEP जी क्लास, बीटा का एंगल जो है वो, सॉरी इस केस में 90 फॉर्म होगा और इस वाले केस में, अच्छा यहां पर अल्फा बीटा क्लास PEC क्लास, यहां पर अल्फा एंड बीटा दोनों इक्वल होंगे। देख क्लास, एक और चीज यहां पर इवॉल्व हो रही है कि मैं आपको आइडिया दूंगा, इफ यू फॉरगेट दिस वन, इफ यू फॉरगेट द एंगल देन यू कैन फाइंड आउट द वे, जो मैंने वे लिखा उसमें से मैंने फाइंड कर लिया। अब इस केस में अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्लास इक्वल होगी, किसमें, पैराबोला के केस में। कैसे मैंने लर्न किया ये मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक। अच्छा यहां पर कैसे फिगर बनेगा, यहां पर क्लास यू शेप फिगर बनेगा, यू, ठीक है। अच्छा यहां पर आपकी ये दो फोकस होंगे, ये दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे क्लास, ठीक है। ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी, यहां पर एक सेंटर होगा, यहां पर ये आपका फोकस होगा, ये होगी डायरेक्ट्रिक्स, ये आपका फिक्स पॉइंट है। यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट आपको मिलेंगे, दो फिक्स पॉइंट, दो डायरेक्ट्रिक्स मिलेंगी। यहाँ पर आपको एक फिक्स पॉइंट मिलेगा फोकस, एक मिलेगा आपको फिक्स लाइन, ठीक है। अच्छा इसके बाद लास्ट क्लास आ रहा है आपका, लास्ट केस बनेगा वो आपको बनेगा हाइपरबोला। इस केस में जो प्लेन जो क्लास इंटरसेक्ट करेगा इन नापी को, वो दोनों साइड करेगा, ऊपर भी करेगा और नीचे भी करेगा, इस तरह से समवॉट इस तरह फॉर्म होगा आपका, ठीक है। तो ये क्लास आपका, ये लाइन आपकी जनरेटर है, तो ये एंगल अल्फा फॉर्म हो रहा है क्लास, यहां पर जो
जो बीटा की वैल्यू है, बीटा क्या होगा, जब ये प्लेन समवट कुछ इस तरह से इस लाइन को आगे जब आगे तक जाएगा तो इसको आगे इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को, तो यहां पर एंगल आपका मतलब इस प्लेन और जनरेटर के बीच में जो एंगल फॉर्म्ड होगा वो बीटा होगा, ठीक है। तो यहां पर बीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां पर जो क्या बीटा की वैल्यू होगी ये अल्फा से लेस होगी और जीरो से जीरो के इक्वल और मोर देन होगी, ठीक है। क्लास ई कंडीशन, इस केस में फिगर कैसा बनेगा, फिगर आप कैसे बनेगा, पैराबोला का डबल ऐसा और ऐसा, ठीक है। ये क्लास आपके फोकस पॉइंट है और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये एफ फोकस और ये एफ फोकस है, यहां पर भी एफ फोकस, यहां पर सेंटर हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है। प्लस ये हमने आपको बताया कि जो चार चीजें फॉर्म होती है, चार के पार्ट हैं कोनिक सेक्शन के, वो कैसे इस तरह से फॉर्म होते हैं, मैंने आपको वो सेट बताया, ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज मत होइए, आप बुक में देख सकते हैं, यहाँ पर जो बीटा है ये प्लेन और जनरेटर के बीच का ही एंगल है, इसकी वैल्यू जीरो और अल्फा के बीच में होनी चाहिए। तो प्लस ये हमारे फोर पार्ट हो गए, सर्किल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, ठीक है। अब हमको वन बाय वन सब चीजों की स्टडी करना है, इसके अंदर स्टडी हमें क्या करना है, देखिए पहला ये है कि ये जो आपके फोर कॉनिक सेक्शंस हैं, पैराबोला, एलिप्स, सर्किल, हम शुरुआत करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सर्किल, फिर हम पढ़ेंगे पैराबोला, फिर हाइपरबोला और फिर एलिप्स, देन फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपरबोला, ठीक है। अब जब सर्किल में हम पहले आपको इसकी कराएंगे, हाँ क्या फाइंड आउट करना है हमको, इसमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इक्वेशन गिवन है तो उसके सेंटर फाइंड आउट करना है, डिफरेंट डिफरेंट, और इसमें दो जितने भी इसमें जैसे आपने लाइन पढ़ा था तो लाइन के अंदर आपने क्या पढ़ा, लाइन पहले आपने उसकी क्या कहते हैं एक जनरल इक्वेशन पढ़ी, उसके यहाँ पर डिफरेंट आपने पर्टिकुलर टाइप्स पढ़े, ऐसे सर्किल के अंदर होगा कि हमको कुछ जो पर्टिकुलर जो वो है इसकी फॉर्म्स हैं इक्वेशंस की, हमको वो स्टडी करना है, उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर होते हैं हमको वो भी देखना है, ठीक है। हम वो चीज सर्च करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे, और यूजुअली हमको इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट करना होगी, हमको बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस गिवन होंगी कि इस तरह से सर्किल आपके पास हो रहे हैं और आप उन सर्किल सर्किल या सर्कल्स की इक्वेशन आप फाइंड आउट करिए, ये हमको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये टास्क है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है सर्किल जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसके बाद फिर ये हमारे एंगल्स का है। एक क्लास और मैं आपको बता दूं, एक क्लास इसमें इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है, देखिए वैसे तो ये सब आपके कॉनिक हैं। अब हम जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं दे आर द इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। तो कॉनिक सेक्शन की जो इक्वेशंस हैं उसकी एक जनरल फॉर्म भी होती है, जैसे कि लाइन की जनरल फॉर्म है, फिर उसके बाद बहुत सारी पर्टिकुलर फॉर्म है, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी है, वाई माइनस वाई डैश इक्वल टू एम एस एक्स माइनस एक्स एक्स डैश, ठीक है, बहुत अलग अलग फॉर्म है। ऐसे ही इस पूरे इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑफ कॉनिक सेक्शन, इस पूरे कॉनिक सेक्शन की एक सेकंड डिग्री होती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, और उसके बाद फिर उसमें पर्टिकुलर अलग अलग वेरिएबल होते हैं, इसमें इसमें ए है, बी है, एच है और जी है और एफ है, ठीक है, और एक सी है। तो उन ये जो वेरिएबल्स अब जब मैं कराऊं तो मैं आपको इसको फर्दर हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम उसके आपको बताएंगे कंडीशन। जैसे मैंने यहां पर आपको अल्फा में बीटा में हमने रिलेट करके हमने कंडीशन बताई कि क्या क्या होगा जब जब आपको डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन फॉर्म होंगे, ठीक है, क्या क्या फिगर फॉर्म होंगे इन इन एंगल्स पर, अगर आप इस तरह से एंगल में चीजों को आप सेट करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर आप सेट करते हैं, एनी हाउ हाउएवर अगर आप प्रैक्टिकली इसको आप सेट करते हैं तो आपको ये फिगर्स मिलेंगे, आप अगर इन एंगल को आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको आइडिया बता दूं एंगल्स लर्न करने का, क्या देखिए ऐसा करिए, इसका मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूं एंगल लर्न करने का। आप यहां पर लिखिए जीरो, यहां पर लिखिए अल्फा और यहां पर लिखिए नेटलाइन, थोड़ा सा इसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा, ये भी बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो वो नहीं है इशू, बट ट्राई करें आप। देखिए अब अगर आपका एंगल बीटा जीरो के इक्वल है और 90 से लेस है, अगर आपका बीटा यहां पर लाई कर रहा है तो आपको मिलेगा एच, देखिए बीटा इज द एंगल, हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, जो हमारा वेरिएबल एंगल है, जो एंगल आपका मूव कर रहा है दैट इज बीटा, वो बीटा है, वो किसी पोजिशन पे मूव कर रहा है। तो अगर एंगल बीटा यहां पर आ गया, जीरो के इक्वल हो गया, अल्फा से लेस हो गया, तो आपको मिलेगा हाइपर, दैट इज एच। और अगर वो बीटा अगर वो अल्फा के इक्वल हो जाता है, इक्वल टू अल्फा, तो आपको मिलेगा पी, ठीक है।
फिर अगर एंगल बीटा 0 90 के इक्वल आ जाता है, यहां पर अगर आ जाता है, ठीक है, इस तरह से इसके भी इक्वल है उसके भी इक्वल, तो आपको मिलेगा ई। और अगर एंगल बीटा 90 के इक्वल हो जाता है तो हो जाएगा सी। देखोगे सी, तो भाई आप लर्न कर लो एच पी ई सी, एच इसके बीच में, पी यहां पर, ई यहां पर, सी यहां पर, थोड़ा सा एक आइडिया है, आप इसको लर्न कर सकते हैं आपको फिगर ड्रॉ करने में और इसको एंगल डिसाइड करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं।